एसईसीएल की बगदेवा कोल परियोजना में हुए हादसे के दौरान जिस तरह से दो मजदूर हताहत हुए थे, उससे खदानों के भीतर मजदूरों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं। मजदूरों की सुरक्षा को लेकर ठोस इंतजाम करने को लेकर अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ ने कुसमुंडा खदान में धरना प्रदर्शन किया और प्रबंधन को ज्ञापन सौंप कर मांगों को पूरा करने का आग्रह किया। एसईसीएल की खदानों में मजदूरों की सुरक्षा का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। पिछले दिनों बगदेवा कोल परियोजना में जिस तरह से हादसों के दौरान दो मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उसे लेकर श्रमिक संगठनों को एक बार फिर श्रमिकों की चिंता सताने लगी है। सुरक्षा संबंधी पांच मांगों को लेकर अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ ने कुसमुंडा खदान में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और प्रबंधन को अपनी मांगों से अवगत कराया। संगठन चाहता है कि खदान के भीतर सुरक्षा नियमों के हो रहे उल्लंघन पर तत्काल रोक लगाई जाए, सुरक्षा मानकों की कड़ाई से पालन की जाए, DGMS द्वारा नियमित रूप से खदान का निरीक्षण किया जाए, कोल इंडिया कंपनी क्षेत्रीय कंपनियों की सुरक्षा इकाई की बैठकें नियमित रूप से करने के साथ ही खदानों में होने वाली दुर्घटनाओं के लिए दोषी लोगों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। इन सभी चीजों को तथ्य में देखते हुए भारतीय मजदूर संघ अपना कंपनी शक्ति बोर्ड को इंस्पेक्शन में खदान में लेके आए। अगर वह ऑपरेटर गाड़ी दबाया तो गाड़ी को आप स्पॉट पॉइंट से क्यों बाहर फेंके, इसमें सबसे बड़ा संशय था। और जब हम इंस्पेक्शन करने के लिए गए तो वाकई वहां पर ना लाइट था, ना रोड था, ना पानी छिड़काव के लिए कोई साधन था। ऐसे विषम परिस्थिति में हमारा ऑपरेटर आज गाड़ी परिचालन करने के लिए बाधित है। कुसमुंडा खदान के भीतर प्रदर्शन किए जाने के बाद संगठन द्वारा 22 मई को गेवरा खदान में प्रदर्शन कर सुरक्षा संबंधी मांगों को लेकर प्रबंधन का ध्यान आकर्षण करवाया जाएगा ताकि मजदूरों के हित में जरूरी प्रयास किया जा सके। ACN News के लिए मनोज यादव की रिपोर्ट।